कितना पानी है, माय गॉड। और ये वही सतलुज रिवर है जो हिमाचल से आती है, यहाँ पे इतना चौड़ा होते हुए भी इतनी पानी दिख रही है। तो ये है इसका कॉरिडोर एंड दिस इज आवर रूम। ये होटल में हम पहली बार रुक रहे हैं, इसलिए आप लोगों को टूर करवा रहे हैं। पुराने जितने होटल्स थे वो सारे रिपीट थे। एंड दिस इज़ द वॉशरूम। ये कपबोर्ड है, यहाँ पे हमारे सामान है, यहाँ पे केटल, एंड दिस इज़ द फुल रूम। वहाँ पर्दे के पीछे सिट आउट भी है। सो बस इतना ही। यस, डन। हे, गुड मॉर्निंग एवरीवन एंड वेलकम बैक टू ऑफबीट ट्रैवल। बढ़िया सी मॉर्निंग है ना? यस, एकदम फ्रेश। अभी सुबह सुबह सिर्फ 6:30 बजे रहे एंड हम निकल पड़े हैं हमारे नेक्स्ट डेस्टिनेशन टुवर्ड्स कश्मीर। यस, श्रीनगर, जन्नत की तरफ बोलते हैं ना। तो यहाँ से टोटल डिस्टेंस है 245 किलोमीटर, 6 घंटे के, एक्चुअली 6 घंटे से कम ही बोल रही है। तो लेट्स सी कितना क्या टाइम लगता है। एक्चुअली उसका मेन ट्रिकी सेक्शन जो है दैट इज रंबान टू बनिहाल। वो एक 44 किलोमीटर का स्ट्रेच है, बट वो आराम से 1.5-2 घंटा ले लेती है, कभी कभी 3 घंटे। पिछले बार के एक्सपीरियंस, लास्ट टाइम हम काफी बुरा फंसे थे उधर, इसलिए इस बार हम जल्दी निकले ताकि थोड़ा सा इजी हो क्रॉस करने में उसको। तो चलो आगे बढ़ते हैं, है ना? मिलेंगे फिर बीच बीच में। आके टच कर लिए हम NH 44। यप, सिग्नेचर जगह पे। 4 लेन 2 लेन 4 लेन 2 लेन ऐसे kind of combination होके चलती रहेगी जब तक खराब स्ट्रेच नहीं आती। Right. और ये एप्पल कारप्ले को पता नहीं सुबह से क्या हो गया है, सुबह वो रुक के चिक होके चल रही है। आप मतलब इंटरसेक्शन में पहुंच भी जाते हो, तब तक पता नहीं कहाँ आया। कारप्ले का थोड़ा प्ले बढ़ गया है ना? तो कोई ना, चलो आगे बढ़ते हैं। लंबी ड्राइव है आज तो। डिस्टेंस वाइज नहीं, टाइम वाइज। टाइम वाइज फिलहाल तो नहीं, बट हाँ कब बढ़ जाए यू नेवर नो, राइट? दूर वो पहाड़ के ऊपर वाइट वाइट स्ट्रक्चर दिख रही है। That is वैष्णो देवी। वो भी करेंगे कभी। Obviously। कभी वही लद्दाख जाते टाइम बस इधर पिट स्टॉप रखो 2 दिन। हाँ, वो एकदम अर्ली सीजन वाला जो टाइम है। हाँ। उस टाइम पे रखो, करो। अच्छे से दर्शन करो। हाँ। और फिर अपना डेस्टिनेशन की तरफ चल दो। आगे बढ़ो, आगे। हम क्रॉस कर रहे हैं अभी उधमपुर। रास्ते में एक्चुअली ट्रक्स बहुत हैं, बट जो स्टैंड स्टिल है, मतलब अभी तक जम्मू से निकल के एटलीस्ट कितना 200-250 ट्रक्स क्रॉस कर गए होंगे हम। ज्यादा तो कम नहीं। वो लोग कभी रास्ते पे उतरेंगे पता नहीं, बट हाँ आई थिंक उनका एक टाइमिंग है कुछ, तो वो लोग जब रास्ते पे उतरेंगे उसके बाद तो सारा का सारा जो इंटरेस्टिंग है वो शुरू होगी। यस, द फन स्टार्ट्स। तो जम्मू से वही टिप है आप लोगों के लिए, स्टार्ट एज अर्ली एज यू कैन। 6:30 को निकल लो। हाँ, उतना उठ भी गुड इनफ, क्योंकि रास्ता काफी खाली है। हाँ, मतलब ट्रक जो है वो सब साइड में खड़े हैं अभी फिलहाल, अलग अलग जगहों पे ना। हाँ, उनके लिए अलग अलग जगह शायद डिसाइड किया हुआ है जहाँ पे वो लोग स्टैंड स्टिल है, कुछ मूविंग है, बट हाँ, बट वो बहुत ही काउंटफुल है। एग्जैक्टली, मतलब ऐसे बहुत ज्यादा ट्रक्स नहीं है जो मूविंग है। हम ले रहे हैं एंट्री चिनानी नशरी टनल। आज एकदम खाली है, मतलब लास्ट 2 टाइम्स यहाँ पे एटलीस्ट एक 15-20 मिनट रुके थे का हॉल्ट हॉल्ट था। ये गाड़ियाँ ज्यादा होने पे वो लोग रोक देते हैं। यस मस्त रखती है एकदम, अटल टनल वाली याद आ जाती है इसको अंदर। ये भी, हालांकि ये कितनी पुरानी टनल है। ये सबसे पहले हमने देखा था हाईटेक टनल है ना। क्या बढ़िया रास्ते बन रहे हैं, जो जो सेक्शन में बन गए हैं। इट्स अमेजिंग, इट्स अमेजिंग। और जो बन रहे हैं वो भी ऐसे हो जाएंगे विद टाइम। और बिच्छू जो चल रही है इस रास्ते में ना, बढ़िया मजा आ रहा है। फुल एसी ऑन करके ऑलमोस्ट 13 के आसपास एवरेज। मतलब ये पहाड़ी में चढ़ रहे हो, उतर रहे हो, चढ़ रहे हो, उतर रहे हो। यस, कंटिन्यूअस एसी ऑन है। उसके हिसाब से एकदम बढ़िया। बाकी पावर की तो कमी है नहीं, तो इसलिए परफॉर्मेंस में कोई इम्पैक्ट नहीं है और मजा आ रहा है तो, है ना। तो काफी सारे स्ट्रेच एक्चुअली बन चुके हैं। चिनानी नशरी टनल क्रॉस करने के बाद 5-10 किलोमीटर स्ट्रेच थोड़ा सा खराब है। उसके बाद अगेन एक न्यू टनल खुल गई है जो हमने लास्ट टाइम नहीं देखा था। पिछले साल तो नहीं खुली होगी वो पक्का। उसका अभी भी काम चल रहा है बट पब्लिक के लिए ओपन कर दिया उन्होंने। अच्छा है, वो काफी समय बचा देती होगी। तो मेन अभी यही स्ट्रेच है। We are just entering रामबान। तो ये रामबान टू बनिहाल जो है, that is the most vulnerable stretch। ये काफी लैंडस्लाइड होती है ये वाले स्ट्रेच में। और इसको मेंटेन रखना is not easy। और वो ऊपर से देख ही सकते हो आप लोग, अभी सामने का बाहर देख सकते हो। फुल ऑफ कितना गिर गिर के है। तो चलो इसको क्रॉस करते हैं, है ना, फिर उस साइड में मिलते हैं। तो कोई अलग रास्ता ही बना दिया है। ये वाले एरिया में भी काफी रास्ते का काम हो चुका है। मतलब ये वाले ब्रिज तो हमने कभी याद नहीं है क्रॉस किया है, क्योंकि हम पिछले साल ही आए थे। हाँ, लास्ट ईयर अप्रैल में ही थे हम। काम काफी गति से चल रही है और फैबुलस। मतलब इतना लंबा ब्रिज है ये, मतलब कितना सारा खराब सेक्शन पूरा बचा दिया। गूगल के पास भी ये अपडेट ही नहीं है। वो पुराने वाले रास्ते से ही दिखा रही थी। पिछले साल हम यहाँ पे जितना टाइम फंसे हैं, है 3 घंटा, और अभी तो शायद हम 15-20 मिनट में ही क्रॉस कर ले रहे हैं। मतलब पहली बार लग रहा है कि जो एस्टिमेटेड टाइम ऑफ अराइवल दिखा रही है, हो सकता है हम उस टाइम पे पहुँच जाए। एंड अनदर न्यू टनल। ग्रेट जॉब गाइस, सीरियसली। जिस किसी को क्रेडिट मिलना चाहिए इसका, ले लो, भर भर के दे रहे। इतनी जम्मू श्रीनगर हाईवे इट्स ऑलवेज लाइक अ टेरर। काफी ट्रैफिक वाली रास्ता रहती है एकदम, मतलब चक्का ब्लॉका। क्या लाइफ इजी कर दी है, माय गॉड। बट गाइस वही हमने बोला, स्टार्ट एज अर्ली एज यू कैन, क्योंकि एक बार ट्रक ट्रैफिक शुरू हो जाएगी देन यही रास्ता फिर मुश्किल हो जाएगी। तो इतना आसान दिख रहा है अभी, क्योंकि कनेक्शंस, बैंड्स, वो सब जो हैं। यस, वहाँ पे काफी स्लो होगी। और सामने अगर स्लो मूविंग ट्रक रही तो वो और स्लो होगी, है ना। इनका जितना हमने बात की थी TCU से, 11-11:30 के बाद ट्रैफिक का, सॉरी ट्रक का मूवमेंट स्टार्ट होती है। तो उन्होंने तो हमको क्लियरली बोल ही दिया था। कि उन्होंने बोला था 11:30 से पहले आप बनिहाल, मतलब रामबान क्रॉस कर जाओ। दैट इज द सजेशन। और हमारा भी वही है आप लोगों के लिए, दैट इज द सजेशन। थोड़ा सा जल्दी निकल लो, आराम से कश्मीर पहुंच जाओ एंड एंजॉय करो एंड सी अनदर। ये पूरा सेक्शन बन चुका है, पहले वो लेफ्ट से नीचे से जाना पड़ता था। मस्त एकदम मजा आ गया है ना। रास्ते जो बन रहे हैं ना, जो जो स्ट्रेच में बन चुके हैं, वहाँ पे चलाने का मजा ही अलग है। जैसे सामने का स्ट्रेच आप देख सकते हो, काफी बन चुकी है, बन चुकी है ये। बढ़िया है एकदम, मतलब एक डेढ़ साल में शायद पूरा कंप्लीट ही हो जाएगी, क्योंकि पिछले साल हम आए थे ये रास्ता तो मतलब नॉन एग्जिस्टेंट थी ये रास्ता। बाकी ये सामने जो जा रहे हैं ये लोग तो क्या बोलेंगे, और ये तो शायद रोज डेली वाले हैं, वो अपना पागलों जैसे भगा भगा के जा रहे हैं और वो आपको चलने ही नहीं दे रहे, आप अपना निकल लो कैसे भी करके, है ना। हाँ, जैसे चाहे वैसे निकलो। बट हाँ, दे आर गोइंग लाइक क्रेजी। तो यहाँ से जस्ट 100 किलोमीटर श्रीनगर। और अभी समय सिर्फ 10 ही बजे हैं। या सिर्फ 10 बज रहे हैं, 2 घंटा बोल रही है। तो हम अभी तक खाने के लिए रुके नहीं कहाँ पे, तो एक कहीं देख के एक थोड़ा सा एक स्टॉप लेंगे, है ना। ये थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन वाला एरिया क्रॉस कर लेते हैं, करके फिर एक स्टॉप लेते हैं। ब्रेकफास्ट टाइम और सीधा बनिहाल पहुंच गए, है ना। कितने बज रहे हैं अभी? मसाले वाला, टमाटर प्याज मिर्ची, हाँ 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 सब देखे। अब यहाँ पे मैगी खाने का मजा आ रहा है। तो कितना बज रहा है? 10:20 एंड वी आर एट बनिहाल। यहाँ से बस हार्डली 2 घंटा भी नहीं है। यस, पर यहाँ से हम जाएंगे पंपोर करके एक जगह है, जहाँ जिसको सैफरन सिटी भी बोलते हैं। यहाँ पे सैफरन का फार्मिंग होता है, तो वहाँ पे फार्मर से आपको डायरेक्ट सैफरन खरीदने को मिलती है, सुना है। तो जाके देखते हैं, फिर वहाँ से होके फिर श्रीनगर चले गए। किसी के ह्यूज पराठे आ गए। And here is my Maggie. So बनिहाल क्रॉस करने के बाद हार्डली 1 किलोमीटर आके ही आपको दिख जाएगी 2 रास्ते। एक टोल रोड स्टार्ट करके लिखा होगा, तो वही वाला लेना है। अभी तो गूगल वही दिखाती है, पहले लास्ट ईयर जब हम आए थे तभी स्ट्रेट जहर टनल वाला रास्ता दिखाती थी, तभी अपडेटेड नहीं थी। जस्ट 2 दिन पहले ही वो टनल खुली थी। हाँ, काजीगुंड टनल काफी बढ़िया टनल बनी थी, बढ़िया एकदम। तभी तो उसके माले वाला भी लगे हुए थे ना। हाँ, तभी जस्ट इनॉग्रेट हुई थी। और 1 घंटा टाइम सेव कर देती है ये इजिली। तो कोई ना, हम टनल एंटर करते हैं यहाँ से, नहीं उधर से घूम के जो गाड़ियाँ जा रही है। अच्छा, ऐसे ये गाड़ियाँ कहीं से आ रही होंगे, और इसका बाईपास कहीं बना होगा ऐसा लग रहा है, हो सकता है, है ना। तो यहाँ से हमने डायरेक्ट अभी लगाया है वो पंपोर करके जो जगह है सैफरन सिटी, फिर वहाँ से फिर चलेंगे होटल की तरफ, क्योंकि बहुत जल्दी पहुँच गए। तो आराम से टाइम स्पेंड करते हुए जाएंगे अभी तो। ये आ गया इसका टोल वाला, 155 का टोल है। एकदम बढ़िया रास्ता बना हुआ, बढ़िया एकदम। अभी सामने का तो दिख रहा है। अमेजिंग अमेजिंग, क्या व्यू है। मतलब सही पहाड़ों के लुक्स जो है वो अभी मिल रहे हैं, एकदम ऊंचे ऊंचे आपके ऊपर, है ना। और इस एरिया में तो ग्रीनरी ही ग्रीनरी है ना। वाह वाह, दिस इज टू गुड। यस, आराम आराम से देखते हुए पहुंचते हैं जन्नत की तरफ। बहुत टाइम है, सिर्फ और सिर्फ 11 भी नहीं बजे अभी तक। मतलब जम्मू श्रीनगर भी इतना इजीली कभी पार होगी, ये तो मतलब ड्रीम में भी नहीं सोचा था। हाँ, ऑब्वियसली कभी नहीं सोचा था। And here is the tunnel, बनिहाल काजीगुंड टनल इसका नाम है। 8.5 किलोमीटर के आसपास है ये। एक्सप्रेसवे प्राइवेट लिमिटेड, ओके, बहुत सही, जबरदस्त एकदम। हम लोग पहुंच गए वो इंटरसेक्शन में। स्ट्रेट रास्ता जो चली जाती है दैट इज श्रीनगर, एंड ये आगे लेफ्ट में जो दिख रही है, आगे थोड़ा सा भी जैम है करके, वो सामने लेफ्ट में जो रास्ता जा रही है दैट इज गोइंग टू पंपोर। ये जो राइट लेफ्ट सब जो दिख रहे हैं यही है सैफरन की खेती सब, बट इनका अभी तक टाइम नहीं हुआ है, ये नवंबर में आती है। खास फायदा नहीं हुआ, घूम घाम के आ तो गए। हाँ, क्योंकि ना संडे होने की वजह से ना मैक्सिमम शॉप्स आर क्लोज्ड, और संडे ऑलमोस्ट दोपहर है अभी। हाँ, 12:30 बज रहे हैं। तो देखते हैं अगर कोई आगे शॉप मिलता है, वरना शाम को फिर किसी कश्मीर एम्पोरियम में ही आते टाइम देखेंगे फिर। हाँ, तो भाई साहब फाइनली आके पहुँच गए एक होटल में। हाँ, एक होटल में। एक्चुअली हमने एक बुक किया था, मतलब जस्ट ब्लॉक किया था, पेवे नहीं किया था। उसको जाके बाहर से देखा, कोई भक्ति नहीं आई, तो फिर काफ़ी गली के अंदर थी, तो हमने डाल लेक वाला रोड में चले आए। पता थी इस रोड में कुछ ना कुछ था, मिल ही जाएगी। हाँ, मतलब एक जगह पे आप पहले से आओ तो थोड़ा बहुत जो आइडिया रहती है। करेक्ट। हाँ, है ना। तो डाल लेक के ऊपर ही एक मिल गई हमें, धमका लगा, मतलब हम यहाँ से देखेंगे और सामने डल लेक है। तो कोई ना, अभी बस थोड़ा फ्रेश होके चिल मारते हैं, रिलैक्स करेंगे, शाम को फिर चलेंगे शिकारा राइड। यस, तो चलो। हाँ, तो भाई साहब जो मजेदार शिकारा में बैठ गए हैं ना, मस्त एकदम बैठ गए अभी आके हम। अभी सनसेट होने में काफी टाइम है, अभी धूप थोड़ा सा पीछे से बज रहे हैं। यस, पर फिर भी सनसेट होने में टाइम है, काफी है। तो मस्त, ये हमने लॉन्ग टूर वाला शिकारा के काफी सारे ट्रिप होते हैं, शॉर्ट ट्रिप, लॉन्ग ट्रिप। तो हमने लॉन्ग ट्रिप वाला लिया है, कुछ पॉइंट्स है। हाँ, 6-7 पॉइंट्स है, वो दिखाएंगे हमें। तो मस्त, चलो एंजॉय करते हैं, आप भी हमारे साथ एंजॉय करो। वो पीछे गई नेहरू पार्क, अगर किसी को उतर के देखना है तो वो भी कर सकते हैं। हम तो शिकारा में घूमते घूमते ही मजे करेंगे। ये वहाँ पे फाउंटेन है। अच्छा। शाम को 8 बजे के बाद अगर आप उधर तक जाना चाहते हैं, मैंने जाओ वहाँ पे। हाँ, नहीं ठीक है। हाँ? नहीं, ये सही लग रहा है। आप बोलो तो ये बड़ा अच्छा लग रहा है, हो जाए थोड़ा ठंडा है ना। यस, मौसम एकदम बढ़िया है, ठंडा हो जाए तो मजा आ जाए, है ना। वो हॉट एयर बैलून अभी जा रही है धीरे धीरे ऊपर, मस्त लगता होगा शाम को ऊपर। हाँ, है, मजा आता होगा इसमें चढ़ने। यस, ट्राई करेंगे कभी। वो हॉट एयर एकदम इधर ही उतरी है ना। Amazing sunset, है ना? Yes. Unbelievable. It's too good, unreal. क्या ही लग रही है। लाइम सोडा एंड पकोड़े शकड़े खा के हम निकल रहे हैं यहाँ से भी, है ना। मस्त पकोड़े। This is Dal Lake का floating market. सारे शिकाराज अभी उसी तरफ जा रहे हैं सब। मस्त एक्सपीरियंस था। शाम को सनसेट से पहले। यस, आ जाओ 6 से 6 के बीच में दैट इज द बेस्ट टाइम। और दल लेक के अंदर से आपको सनसेट देखने को मिलेगी एंड विच इज अमेजिंग। यस, तो कुछ नहीं, कल हम निकल रहे हैं यहाँ से कारगिल के लिए। सुबह सुबह निकलनी है, वही 6, 6:30 बजे, है ना। तो आज के ब्लॉग को यहीं पे खत्म करेंगे। अगर आपको पसंद आया तो लाइक करो, दोस्तों के साथ शेयर करो। अभी तो ट्रिप की शुरुआत है, सब्सक्राइब करो। मिलते हैं कल के ब्लॉग में। चलो।